अस्सलाम वालेकुम, सीएसएस गाइड के साथ मैं हूं आजिल हसनात। नाजरीन, सीएसएस करना अक्सर स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है। आज हम आपके लिए सीएसएस गाइड से मुतल्लिक एक इन्फॉर्मेटिव शो का आगाज़ कर रहे हैं। सीएसएस से मुतल्लिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट PSCA सेफ सिटीज़ और फेसबुक अकाउंट पंजाब सेफ सिटीज़ पर मैसेज कर सकते हैं। आज के इस पहली एपिसोड में सीएसएस के हवाले से चंद बुनियादी सवालों के जवाब जानेंगे SP इरशाद कुमेल से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताइएगा, सीएसएस होता क्या है और ये इम्तिहान कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है? सिविल सर्विसेज जो है वो हमारा जो फेडरल एग्ज़ाम होता है, जो हर साल फेब के महीने में तकरीबन मुनक्किद होता है, लिया जाता है, जिसमें तमाम एस्पिरेंट्स पूरे मुल्क से, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। नॉर्मली इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने में कर ली जाती है, और फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स ये फेब में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें टोटल हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। इस एग्ज़ाम की अफादियत आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सिंस इट्स द ओनली एग्ज़ाम ऑफ जो कि पूरे मुल्क, जो पूरे नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और उसमें तमाम जो मुल्क से एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो आई गेव माई अटैम्प्ट इन 2015, तो तब 22,176 टोटल एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो बहुत बड़ा नंबर एक होता है एस्पिरेंट्स का जो इसमें अप्लाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, इसकी तैयारी की जाती है। तैयारी करने के बाद डिफरेंट इसके स्टेप्स, जैसे आपने कहे, तो पहले आप सबसे पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है, आप रिटन पार्ट आप देते हैं, उसमें आप क्लियर करते हैं, तो फिर उसके बाद आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है। जो रिटन क्लियर करते हैं साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू से, फिर वही गुजरते हैं, और जब इंटरव्यू आपका उसके बाद क्लियर हो जाता है, तो फिर एलोकेशन आपकी एक लिस्ट से बनती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, और उसमें फिर आपकी एलोकेशन होती है इन टू डिफरेंट ग्रुप्स, जो कि CSS के ग्रुप्स हैं, जो अभी हम बाद में जिसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, CSS इम्तिहान के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कोई उम्र की भी हद है इसलिए? इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, सिंपल ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट्स, और जो इसकी एज है वो 21 to 30 है। पहले 28 होती थी, लेकिन फिर अमेंड करके इसको 30 ईयर्स ऑफ एज तक कर दिया गया। जो गवर्नमेंट सर्विस होते हैं उनके लिए इसमें एक रिलैक्सेशन भी होती है, बट फॉर सिंपल एस्पिरेंट्स इट्स 21 to 30। कौन सा इदारा CSS का इम्तिहान कंडक्ट करता है? ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, FPSC जिसको हम नॉर्मल अल्फाज में कहते हैं। ये एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है और ये ही तमाम प्रोविंसेस में कंडक्ट करते हैं जो CSS की एग्जामिनेशन है। इम्तिहान की सिर्फ फीस भी कोई है, और एक शख्स कितनी दफ़ा अपेयर हो सकता है? इसकी एक बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है जो आपने जमा करवानी होती है जब आपने फॉर्म वगैरह लेने होते हैं, और उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके आप FPSC में जमा करवा देते हैं। और किसी भी इंसान के पास, किसी भी एस्पिरेंट के पास 3 अटेम्प्ट्स होती हैं इन टोटल जो वो अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है फॉर सिविल सर्विसेज, और ये 3 चाहे अटेम्प्ट्स क्लियर हों या फेल्ड हों, मतलब इफ़ एनीबडी इज़ अनलकी और वो रिटर्न भी क्लियर करता है, अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बड़े अच्छे रिव्यूज़ लेता है, और उसके बाद अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीट्स उसकी एलोकेशन नहीं होती, तो इवन दैट इज काउंट एज अ फेल्ड अटेम्प्ट, तो 3 अटेम्प्ट्स इन टोटल हम दे सकते हैं इसके लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एग्जाम्स पास करने के बाद ग्रुप्स हम सुनते हैं, कोई DMG ग्रुप है, PSP ग्रुप है, ये क्या होते हैं, नाज़रीन को बताइएगा, और बताइएगा कि बेस्ट ग्रुप कौन सा है, और आप कोशिश क्या होती है स्टूडेंट्स की कि वो किस ग्रुप में जाए ज़्यादा से ज़्यादा? देखें, ये तो थोड़े ये जो ग्रुप्स के हवाले से, टोटल 12 ग्रुप्स होते हैं हमारे, जिसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ग्रुप, जिसमें जो पुराने अल्फाज में हम जिसको DMG कहते थे, नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, कस्टम्स एंड देयर MLCG ग्रुप है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 12 ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप बेहतर है? तमाम ग्रुप बेहतर हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू हैव दैट प्रिविलेज कि आप अपने लोगों को सर्व करें, आप अपने अपने एम्बिट में रहते हुए लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, चाहे आप रेलवेज़ में हैं, चाहे आप पोस्टल ग्रुप में हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में हैं, चाहे आप पुलिस सर्विस में हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, तो वो एम्बिट के हिसाब से आपके पास डिफरेंट अथॉरिटी होती है टू फैसिलिटेट एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द पब्लिक। डिपेंड करता है कि ये हर बंदे की अपनी परसेप्शन पे, एक बंदे के ऊपर कि वो किस ग्रुप के लिए अपने आप को बेहतर समझता है। नॉर्मली पीपल एस्पायर टू ज्वाइन पुलिस सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, ये टॉप के ग्रुप्स माने जाते हैं। बट मैंने जैसे बताया कि नो ग्रुप इज सुपीरियर टू अनदर, एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन जो डायनामिक्स हैं, और उसके साथ साथ उसकी अपनी एक आपको एबल करता है वो एक अपने डोमेन के अंदर लोगों को सर्व करने के लिए।
सर ऑन लाइटर नोट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप पीएसपी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते थे क्या? शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं मेरी पहली प्रेफरेंस पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ही थी, और मेरा सीएसएस का जो मेन मोटिव था वो भी टू ज्वाइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ही था। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे मेरी पहली प्रेफरेंस पुलिस थी और इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीएसएस को क्लियर करना और अपने ग्रुप को हासिल कर लेना जो आपको चाहिए, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नेमत मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अच्छा सर, रिटन एग्जाम्स को जो क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल होता है या इंटरव्यू, कुछ थोड़ा सा ये भी बताइए। देखिए तमाम इजी तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको पहले बताया कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट इन द सेंस ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं और एस्पिरेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर अप्लाइंग फॉर इट, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए कुछ फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, और चूंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है एंड आई टोल्ड यू कि इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, क्योंकि आपने ना सिर्फ रिटर्न क्लियर करना है, आपने फिर इंटरव्यू भी क्लियर करना है, और ना सिर्फ आपने क्लियर करना है बट आपने यू हैव टू क्लियर इट विद फ्लाइंग कलर्स, आपको नंबर्स अच्छे चाहिए होते हैं, आपको मार्क्स अच्छे लेने पड़ते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो एलोकेशन है वो लिमिटेड सीट्स पे होनी है, यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ताकि आपको आपका ग्रुप मिल जाए, या अगर आप अनलकी हैं आपको आपका ग्रुप नहीं मिलता तो आप उन 12 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप के ऊपर फॉल कर जाएं। तो मुश्किल तो अगर हम कंपैरेटिवली कहें तो तमाम सेगमेंट्स जो हैं, तमाम जो हमारे पार्ट्स हैं वो मुश्किल हैं। रिटर्न इज़ टफ बिकॉज रिटर्न आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करता है, फिर इंटरव्यू में यू हैव टू मेक योर ओन मार्क, आपने अच्छे नंबर लेने ताकि आपको ग्रुप अच्छा मिले, तो आसान तो चूँकि मैंने आपको बताया बड़े हाई लेवल पर है तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। अच्छा सर, सीएसएस एग्जाम्स पे मेरिट का क्या है, मेरिट मामूली है ये एग्जाम्स? देखिए बिल्कुल, मैं वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन सिविल सर्विसेज जिसमें हम इस चीज़ को एक दफ़ा नहीं हज़ार दफ़ा प्रूव कर सकते हैं कि दिस सिस्टम इज सोनली ऑन मेरिट। मैंने आपको बताया 22,176 2015 के अटेम्प्ट में लोग थे, एंड आउट ऑफ दोज 22,000 प्लस ओनली 379 ऐसे थे जो रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर करके जिनकी मेरिट लिस्ट बनी थी, एंड आउट ऑफ दोज 379 238 गॉट द एलोकेशन। सही, 238 की एलोकेशन हुई, बाकी अराउंड अबाउट 150 के करीब लोग ऐसे थे जिनको एलोकेशन नहीं मिली आफ्टर बीइंग क्लियरिंग, आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न एज वेल एज इंटरव्यू, दे डिड नॉट गेट एनी एलोकेशन, दे वर कंसिडर्ड कि उनको दोबारा अटैम्प्ट देनी पड़ी, उनको एलोकेशन नहीं मिली। तो माई सेल्फ और भी बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे ही हैं जिनके दिमाग में पहले यही सवाल होते थे कि पता नहीं इस मुल्क में कुछ सिस्टम ऐसा है या नहीं है जिस पे हम एतबार कर सकें, तो मैं ये आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल प्रोसेस मैं बड़े दावे के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि दिस इज़ प्योरली अ मेरिट सिस्टम, ये प्योरली मेरिट बेस्ड है और इसमें किसी किस्म की, बिकॉज आप इतने चेक से गुजर रहे होते हैं, कोई एक चेक नहीं है जिसको आप कंप्रोमाइज़ करवा लेंगे, आप रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न में इतने ज़्यादा लोग हैं, पेपर चेकर्स हैं, पेपर सेटिंग टीम्स हैं, सो मैनी चेक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, स्पेशल पर्सन जो होता है अगर वो सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहे तो उसके लिए कोई खास कोई स्पेशल असिस्टेंस है इस एग्ज़ाम? जी, स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल असिस्टेंस, जैसे मिसाल के तौर पे अभी बहुत ज़्यादा इसमें हम अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए वो जो एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है उसके तहत उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएँ, जो हमारे जो हेयरिंग जिनको डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए कोई तरीका कार इस तरह से इंटरव्यू के अंदर निकाला जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम, अभी वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दिस और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं। ये एक अवामी तासुर है कि ये सीएसएस के एग्ज़ाम्स बहुत मुश्किल है, तो इसमें जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हैं उसका तनासुब भी बहुत कम है, सर ऐसा क्यों है? देखें, दिस इज़ सुपीरियर सर्विसेज आपका, जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ द बेस्ट और द हाइएस्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम दैट अ पर्सन वेंट गोज थ्रू During his whole effort to find his career. तो मुश्किल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है, टफ है, जैसे मैंने आपको बताया सीट्स बड़ी कम है, 379% got cleared जिन्होंने अपना रिटर्न क्लियर किया वो 379 इंटरव्यू भी क्लियर कर गए, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि सीट्स बड़ी लिमिटेड थी 238 ऑफ देम गॉट एलोकेटेड, बाकी वो थे जिनको एलोकेशन नहीं मिली, दे हैड टू रीअपीयर। तो टफ है, मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो फिर कोई भी ना कर पाता। इट्स टफ, आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी
स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए इन पेपर्स को करने के लिए, बिकॉज आप कम्पीट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इट्स नॉट अ लोकल, या आपके स्कूल का एग्ज़ाम या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम या इवन फॉर दैट मैटर आपकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम है नेशनल लेवल पे है, पूरे मुल्क से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए हुए होते हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स का मैंने कहा वो आते हैं, आपके जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे वो लम्स हो, IBA सखर हो, हमारे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हो इस मुल्क के, तमाम इसमें कम्पीट कर रहे होते हैं, तो इट्स आपको भी उस लेवल पर होना पड़ता है, तो टफ है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया इर्तिज़ा कुमेल आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने CSS के हवाले से बुनियादी सवालात के जवाब जाने, उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अपने अगले प्रोग्राम में हम CSS के इम्तिहान की तैयारी बारे तफसीलात लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।